कारण था हारने का। मैंने कहा मैं जाऊंगा तो दो तीन दिन के लिए जाऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 24 टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिली है। हालांकि इस बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सोमवार 4 दिसंबर को सीएम आवास पहुंचे और दरियादिली दिखाते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी की सरकार बनने पर बधाई दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से मिला था, उन्हें बधाई देने गया था। जब मैं मुख्यमंत्री बना था वो मुझे बधाई देने आए थे, तो आज मैंने उन्हें बधाई दी। मैंने उन्हें आश्वस्त किया कि हम विरोधी दल तो रहेंगे पर प्रदेश के हित में जो भी हम कर सके मदद करेंगे। आज प्रदेश की भयंकर समस्या है, प्रदेश के सामने बहुत बड़ी चुनौती बेरोजगारी की है, प्रदेश में बहुत बड़ी चुनौती हमारे कृषि क्षेत्र की है, हमारे प्रदेश की आर्थिक गतिविधि बनी रहे और इसमें जो हमारा योगदान हो सकता है हम जरूर देंगे। हार की समीक्षा करेंगे, हार की समीक्षा करेंगे, हार की समीक्षा करेंगे। बैठक बुलाइए, आपने कल बैठक बुलाइए सर, आपने कल बने रहेंगे या दिल्ली जाएंगे लोकसभा? मैं क्यों जाऊंगा दिल्ली? अगर मैं 2020 में नहीं गया, बैठक बुलाई आपने? मैंने कल बैठक बुलाई है, मैं अब दिल्ली जाऊंगा, राहुल जी से मिलने, खड़गे जी से मिलने, गए तो दो तीन दिन के लिए जाऊंगा। कल मैं सब उम्मीदवारों को बुलाया, पहले मैं उनकी बात सुन ली और उनकी बात सुन के हम एक स्टडी करेंगे कि क्या कारण था हारने का। सब तेरा दिक्कत रहता है कि हार में। मैंने कहा मैं जाऊंगा तो दो तीन दिन के लिए जाऊंगा।